नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुंडली के बारे में और कुंडली के अंतर्गत आज हम आपको बताएंगे ग्रहों की दृष्टि के बारे में कि ग्रह किस किस घर को देखते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे चर्चा करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब जानेंगे ग्रहों की दृष्टि के बारे में। दोस्तों, कुंडली के अंतर्गत 9 ग्रह होते हैं। इसके अंतर्गत 7 ग्रह मुख्य होते हैं और 2 छाया ग्रह होते हैं। छाया ग्रह में राहु व केतु माने जाते हैं। इसके अंतर्गत हम आपको बताते हैं कि सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है। गुरु, राहु व केतु की 5, 7 व 9वीं दृष्टि होती है। मंगल की 4, 7, 8, 12 घर में देखता है और शनि 3रे, 7वें व 10वें घर में देखता है। यानी गुरु, राहु, केतु, मंगल व शनि की इन 5 ग्रहों की विशेष दृष्टि होती है। इसको हम उदाहरण के तौर पर आपको समझाएंगे, आप ध्यान से देखिए। इस वीडियो को ढंग से देखिए तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा कि ग्रहों की कैसी कैसी दृष्टि होती है, किस किस घर को देखता है कौन सा ग्रह। अब हम आपको 4 ग्रह बताते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यदि सूर्य पहले घर में है तो अपने से 7वें घर मतलब सप्तम स्थान को देखेगा। इसी प्रकार से ये ग्रह किसी भी स्थान पर हो सकते हैं, इसमें लगन कोई सा भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा लगन है। आपको ये माने कि इनकी दृष्टियाँ 7वीं होती है। किस किस की? सूर्य, चंद्रमा, बुध की और शुक्र की। अब इसी प्रकार से बुध यदि आपके 5वें घर में है तो इसकी दृष्टि कहाँ पर होगी? 7वीं, 4वें स्थान पर। इसी प्रकार से चंद्रमा दूसरे घर में है तो इसकी 7वीं दृष्टि कहाँ पर होगी? इसकी 7वीं दृष्टि 8वें घर में होगी। इसी प्रकार से शुक्र आपके चतुर्थ स्थान में, मान लो कहीं भी ले सकते हो आप, उठे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो इसकी 7वीं दृष्टि कहाँ पर होगी? 10वें स्थान पर। इन चारों की दृष्टि क्या होती है? अपने से 7वें घर को ये देखते हैं। अब जानते हैं दोस्तों गुरु, राहु व केतु के बारे में। देखिए दोस्तों, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब हम लेते हैं गुरु के बारे में। गुरु अपने से 5वें घर, 7वें घर व 9वें घर को देखता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। माना आपके गुरु चतुर्थ स्थान में है, ये 4th हाउस ले लिया हमने। लगन या नंबर कुछ भी हो सकता है, यहाँ नंबर 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। माना 10 नंबर पे गुरु चतुर्थ स्थान पर, तो इसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी? इसकी दृष्टि 5वीं दृष्टि तो कहाँ पड़ेगी? अष्टम में, 7वीं 10वें स्थान पे और वह 9वीं 12वें स्थान पर पड़ेगी। यानी गुरु की कितनी दृष्टि हो गई? 3 दृष्टि। गुरु जहाँ पर बैठा है वहाँ से वह 3 घरों को देखता है। इसी प्रकार से राहु केतु के बारे में बताते हैं आपको। कलर अलग ले लेता हूँ ताकि आपके समझ में आए। राहु माना आपके यहाँ 11 हो गया, एक सेकेंड, माना राहु आपके 6ठे घर में, तो इसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी? इसकी दृष्टि 5वीं, 7वीं व 9वीं होती है। तो इसकी 7वीं दृष्टि तो कहाँ पड़ी? 12वें घर में, ठीक है। 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ी? 10वें घर में। और 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ी? दूसरे घर में पड़ी। तो राहु, केतु और गुरु की विशेष दृष्टि होती है। इसी प्रकार से हम केतु ले लेंगे। केतु माना आपके 9वें स्थान पर है। मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, कलर अलग ले लेता हूँ ताकि आपकी समझ में आए। मेरा उद्देश्य आपको समझाना है ढंग से। तो केतु माना आपके 9वें स्थान पर है, तो इससे 7वीं दृष्टि आप खा लेंगे, 3रे स्थान पर, ठीक है। इसकी 5वीं दृष्टि खाएगी, पहले स्थान पर, और 9वीं दृष्टि 5म स्थान पर। यानी राहु, केतु और गुरु जहाँ पर बैठेंगे वहाँ से अपने से 5, 7 व 9 घरों को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं ताकि आपको मिटा देता हूँ, दोबारा आपकी समझ में आ जाए। गुरु की दृष्टि आप देख के आसानी से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल की विशेष दृष्टि होती है ये अपने से, इसकी बहुत सारा दृष्टि होती है, इसकी ज़्यादा दृष्टि होती है मंगल की। मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। इसकी दृष्टि जो होती है वह चतुर्थ में देखता है, सप्तम में तो सभी ग्रह देखते ही है, सप्तम में भी देखता है, अष्टम में और 12वें घर में भी देखता है। आपको लगन में लेके चलते हैं। लगन में माना मंगल है, इसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी? इसकी दृष्टि चतुर्थ इस घर को देखेगा, ये अपने से 7वें घर को देखेगा, अपने से 8वें घर को देखेगा और अपने से पीछे वाले घर यानी 12वें घर को देखेगा। मंगल कहीं पर बैठ सकता है। दूसरा उदाहरण लेता हूँ मैं आपको। माना मंगल आपके
तीसरे स्थान पर है। इस जगह तीसरे घर में, तो अब इसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी? इसकी सातवीं दृष्टि कहाँ पर हुई? सातवें में तो सभी ग्रह देखते हैं, अब इसकी चतुर्थ कौन सी हो गई? एक दो तीन चार, चतुर्थ कहाँ हो गई? छठे घर को, तो यहाँ पर देखिएगा मंगल। अब इसकी आठवीं दृष्टि कौन सी होगी? सातवें के पास वाला, तो यहाँ हो गई। कहाँ पर देखा? दसवें घर को देखा, नौवें घर को देखा, और बारहवीं दृष्टि अपने से पीछे वाले, तो मंगल की चार दृष्टि हो गई। तो आपके समझ में आ गया होगा, मंगल कहीं पे भी बैठ सकता है, लग्न कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। इसकी दृष्टि है, मंगल जहाँ भी बैठेगा अपने से चतुर्थ स्थान को देखेगा, सप्तम में देखेगा, अष्टम में देखेगा और बारहवें को देखेगा। अब बात करते हैं शनि के बारे में। दोस्तों शनि की भी विशेष दृष्टि होती है। इसकी दृष्टि माना शनि आपके लग्न में बैठा है, मैं आपको लग्न में इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपके आसानी से समझ में आ सके। अब ये इसकी तीन विशेष दृष्टियाँ होती है, ये तीसरे घर को देखता है, सातवें घर को देखता है, वह दसवें घर को देखता है। अब आपको यहाँ से समझाता हूँ, शनि माना लग्न में है तो तीसरा घर कौन सा हो गया? एक दो तीन, तीसरा घर कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया? ये, ठीक है। इसी प्रकार सातवें घर को तो सभी घर देखते हैं, सभी ग्रह देखते हैं, ठीक है। तो सातवां कौन सा हो गया? लग्न में बैठेगा तो सप्तम को ही देखेगा सातवें घर से, और दसवां कौन सा हो गया? ये। तो शनि की तीन दृष्टि, तीसरा सातवां व दसवां। दूसरा उदाहरण ले लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। माना शनि बैठा है आपके द्वितीय भाव यानी ग्यारहवें घर में बैठा है। माना कहाँ बैठा है? ग्यारहवें घर में, ठीक है। अब यहां से कहाँ कहाँ देखिएगा शनि? यहां से तीसरा स्थान कौन सा हो गया? तीसरा घर, ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा। तो कहाँ पर देखेगा? लगन को देखेगा। कहाँ देखा? लगन को। इसके बाद सातवां घर कौन सा हो गया? पंचम यानी पांचवें घर को देखेगा। और दसवां कौन सा हो गया? ये सात हो गया, तो ये आठ, ये नौ, ये दस। कहाँ पर देखेगा? अष्टम घर को। तो इस प्रकार से शनि तीसरे घर को, सातवें घर को और दसवें घर को देखता है, ठीक है। आशा करता है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप सपनों की वीडियो देख सकते हैं, मेरे हस्तरेखा देख सकते हैं, एक्यूपेशन, इन सभी के बारे में मैंने वीडियो बना रखे हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि इनकी नॉलेज भी ले सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।